क्या आपने डिलीवरी के लिए बैग रेडी कर लिया है? देखिए, आपका 9th मंथ स्टार्ट हो चुका है और 9th मंथ में लेबर पेंस कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं, तो आपको एक डिलीवरी के लिए बैग ऐसी जगह रख लेना चाहिए जहां से आप जल्दी से बैग को ग्रैब करके हॉस्पिटल के लिए रश कर सकें यदि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन अराइज होती है तो। अब इस बैग में क्या क्या रखें? आपको बैग में तैयार रखने के लिए मैं एक लिस्ट तैयार करवाती हूँ जिसको कि आप अपने घर में चेकलिस्ट की तरह यूज करके अपना बैग रेडी कर सकते हैं। तो बैग में रखने वाले सामान को हम डिवाइड करते हैं 3 इम्पॉर्टेंट हिस्सों में। पहला हिस्सा है डॉक्यूमेंट्स यानी कि पेपर्स। सेकेंड पार्ट होना चाहिए डिलीवरी के समय एक मदर को चाहिए होता है। एंड थर्ड पार्ट में हम रखेंगे जो डिलीवरी के बाद एक न्यूबॉर्न बेबी को सामान चाहिए होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कीप ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, प्रेगनेंसी डॉक्यूमेंट्स, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स, ब्लड रिपोर्ट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज आधार कार्ड फॉर मदर एंड फादर बोथ। सेकेंडली, अब रखते हैं थिंग्स फॉर मदर। यूजुअली मदर को चाहिए होता है एक कम्फर्टेबल गाउन एंड पजामा सेट्स। अगर किसी लेडी को अपने घर के कपड़ों में ज़्यादा कम्फर्टेबल लगता है तो शी कैन कैरी सम कॉटन क्लोथ्स विच आर लूज एंड फ्रंट ओपनिंग एंड शी कैन ऑल्सो कैरी हर लार्ज साइज अंडर गारमेंट्स विच शी मस्ट हैव ऑर्डर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो कि वो बाद में यूज़ कर सके। साथ में उसको चाहिए मेटर्निटी पैड्स विच शुड बी लार्ज साइज। ये भी हॉस्पिटल में ईजिली अवेलेबल होते हैं बट यू शुड कीप एक्स्ट्रा फॉर एमरजेंसी। देन शी कैन कीप हर फीडिंग पिलो इफ शी हैज ऑर्डर्ड सम मॉइस्चराइजर एंड टॉयलेट्रीज, अ वाटर बॉटल एंड अ टावल फॉर पर्सनल यूज। शी शुड ऑल्सो कैरी सम शॉल और दुपट्टा फॉर प्राइवेसी आफ्टर डिलीवरी ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आप पहले से कोई मेडिसिन लेती थी जैसे कि थायरॉयड की मेडिसिन, अस्थमा का इन्हेलर या फिर कोई बीपी या शुगर की मेडिसिन जो कि आपको डेली लेनी पड़ती हैं, तो ये आप अपने साथ ज़रूर कैरी करिए। देन यू कैन कीप सम पर्सनल आइटम्स लाइक स्लीपर्स, कॉम्ब, टूथब्रशेज एंड पर्सनल कॉस्मेटिक आइटम्स विच यू वॉन्ट टू यूज। नाउ यू शुड कीप वॉट थिंग्स फॉर द बेबी। सबसे ज़रूरी है न्यूबॉर्न बेबी क्लोथ्स, जो कि आपने डेफिनेटली अब तक खूब सारे शॉपिंग करके इकट्ठे कर लिए होंगे। बट डोंट टेक एक्स्ट्रा क्लोथ्स, जस्ट कैरी 2 or 3 सेट्स, क्योंकि हॉस्पिटल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन ही स्टे करना होता है। यू शुड ऑल्सो कैरी अ रैपिंग शीट और अ टाल फॉर रिसीविंग द बेबी। जब बेबी को पैदा करके आपको दिया जाता है तो जिस भी टाल में आप उसे लेना चाहती हैं वो अपने साथ लेके जाइए अपने बैग में। यू शुड ऑल्सो नॉट फॉरगेट टू कीप कैप्स, सॉक्स एंड मिटन्स फॉर द बेबी। अदर थिंग विच यू कैन कैरी इज 1 स्मॉल बॉटल ऑफ कोकोनट ऑयल, फ्यू डाइपर्स एंड वाइप्स, 1 or 2 क्विक ड्राई शीट्स एंड सम एक्स्ट्रा नैपीज विच कैन बी वेरी यूजफुल आफ्टर डिलीवरी। सम जनरल आइटम्स फॉर द पेशेंट और फॉर हर पार्टनर आर अ थर्मस फॉर कीपिंग हॉट वाटर और हॉट मिल्क, सम म्यूजिक, सम हेडफोन्स, मे बी अ पावर बैंक इफ यू आर कैरिंग लैपटॉप, देन इफ योर पार्टनर इज वर्किंग देन यू कैन कैरी अ पावर बैंक। बट वन थिंग विच यू शुड नॉट कीप इन योर हॉस्पिटल बैग इज वैल्यूएबल्स एंड ज्वेलरी एंड एक्स्ट्रा कैश, बिकॉज दीज थिंग्स कैन गेट लॉस्ट एंड सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर मेकिंग अ हॉस्पिटल बैग फॉर डिलीवरी। थैंक यू।